हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेल्स एसोसिएट ऑफिसर इन द policybazaar.com. सो इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन द सेल्स लाइन, सो दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो लेट्स जंप इन टू द मेन पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन मीन फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, okay, if you are from the humanity stream, commerce stream or the science background, then it does not the issue to apply for the sales associate officer in the policybazaar.com. so what you have to do, you have to design a resume, okay, and whatever experience, if you have the earlier experience, so that is the main extra point for you. but if you are a fresher, so there is no need to worry about it. so what you have to do, गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे, गूगल पे डालेंगे, गूगल में डालने पे आप policybazaar.com का जो एड्रेस है वो गुड़गांव के अंदर है, वहाँ से कंपनी का एड्रेस ले लेंगे. आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे के साथ वहाँ पर विजिट करना है और थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल इसकी जो वैकेंसी होती है सेल्स एसोसिएट ऑफिसर के लिए, वहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी रहती है. आप रिज्यूमे के साथ वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपके दो राउंड होंगे इंटरव्यू के, ठीक है. दो राउंड होते हैं इंटरव्यू के लिए और कोई भी दे सकता है, ठीक है. लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या बीटेक से होते हैं तो आपकी जो प्रेफरेंस होती है वो मतलब अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आपको थोड़े मतलब ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से या कोई और आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको कम प्रायोरिटी दें, ऐसा कुछ नहीं है. हाल ही में आपकी और उसमें क्या होनी चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन जो मैंने बताया, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती है. जैसे कि आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है. पहले तो वह आपको बताएंगे मतलब कंपनी के बारे में कि यू आर कमिंग हेयर, सो हाउ डिड यू नो अबाउट द policybazaar, ठीक है. आपको policybazaar के बारे में कैसे पता चला, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना कर लेना और टेल मी अबाउट योर सेल्फ और जो भी आपने अपने रिज्यूमे में ऐड किया है उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले. तो फर्स्ट राउंड के लिए ये हो जाएगी. और जनरल आपकी इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. व्हाट इज़ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस, व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस और व्हाट डू यू नो अबाउट द policybazaar, ठीक है. ये जो क्वेश्चन है कि policybazaar के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये सेकेंड राउंड में मोस्टली पूछा जाएगा, ठीक है. जो सेकेंड राउंड का प्रोसेस होगा, फर्स्ट तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए, सेकेंड जो राउंड होगा वो आपकी नॉलेज policybazaar को लेके वो चेक करने के लिए. दो राउंड आपने क्लियर कर दिए, उसके बाद में आपको मेल आ जाएगी, ठीक है. एक ही दिन पे आपके दोनों राउंड के जो भी होते हैं सिलेक्शन होगा तो वो हो जाएगा. अगर आप रिजेक्ट होंगे तो उसी टाइम आपको बता देंगे. तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी फ्रेशर के लिए, ठीक है, किसी भी फ्रेशर के लिए. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक दो साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो सैलरी होगी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा. जैसे कि जो स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए वो अप्रॉक्सीमेट 16,500 से 17,000 रुपये के मतलब बीच में अप्रॉक्स आपको सैलरी देंगे स्टार्टिंग, ठीक है. लेकिन आपके पास एक दो साल का जो एक्सपीरियंस है उससे क्या होगा कि आपको 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको दे दिए जाएंगे. उसके लिए आपको जो मतलब पुराना एक्सपीरियंस है उसमें क्या होना चाहिए, आपकी जो सैलरी स्लिप होती है 3 मंथ्स की वो आपको अपने पास रखनी होगी, ठीक है. क्योंकि तो उसी को देख के वो आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा उसको वैलिड मानेंगे. तो ये आप हमेशा मतलब प्रिपेयर करे रखें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो ये है पूरा प्रोसेस और यू कैन मीन ईजिली अप्लाई एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डायरेक्टली अप्लाई एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. तो ये मैंने बताया सेल्स एसोसिएट ऑफिसर के बारे में. और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो रही सैलरी की बात, और इसी में इंसेंटिव भी होता है. आप कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे जितनी सेलिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इंसेंटिव भी बनता रहता है. डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में उनको वैकेंसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको भेज देंगे. तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में. और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड और डिटेल चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. और अगर वीडियो मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है. अलग अलग वीडियो मैं आपके इनके जॉब के रिगार्डिंग बनाता रहूँगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.